सत श्री अकाल, मैं हरजीत अपने चैनल में आप सभी का एक नई रेसिपी के साथ स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ मार्केट के जैसी वनीला आइसक्रीम, बहुत ही क्रीमी सी बनकर तैयार होगी। मार्केट में वनीला आइसक्रीम में तो वो कंडेंस मिल्क भी डालते हैं और हैवी क्रीम वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, पर आज इसे हम बनाएंगे घर में मौजूद सामान से ही और बहुत ही टेस्टी और यमी सी बनकर तैयार होगी। तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए गैस पे रख लेंगे एक कढ़ाई या पतीला, कुछ भी ले लें। अब इसमें डालना है 1/2 लीटर मिल्क। तो ये मिल्क मैंने लिया है फुल क्रीम वाला मिल्क ही लें, उसी से आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी बनती है क्योंकि उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। ये जो मिल्क मैंने लिया है ये पहले से बॉयल हुआ है पर ये अभी ठंडा है। अब इसमें से मैं 2 बड़े चम्मच मिल्क 1 कप में निकाल के रख रही हूँ अलग से। दूध में अब बॉयल आ गया है तो गैस को मैंने मीडियम कर दिया है। तो दूध को 2-3 मिनट तक ऐसे ही उबलने देंगे, ऐसे ही पकने देंगे जिससे थोड़ा सा थिक हो जाएगा। दूध को बॉयल करते वक्त कई बार कुछ लोग इसमें पानी डालते हैं, तो आपने दूध में पानी नहीं डालना है, प्योर दूध लेना है तभी आइसक्रीम अच्छी जमेगी। कढ़ाई के साइड में थोड़ी थोड़ी सी मलाई जम रही है, इसको भी स्पैचुला से हटाते जाएंगे और बीच में ही करते जाएंगे। दूध को बॉईल होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, दूध देखें अब थोड़ा सा थिक भी हो गया है। तो अब एक बॉल में मैंने जो 2 चम्मच दूध निकाला था उसको ले लेंगे और अब इसमें मिला लेंगे 1.5 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर 1.5 टीस्पून ही मिलाना है आपने। ये मैंने लिया है वनीला फ्लेवर का क्योंकि हम वनीला आइसक्रीम जमा रहे हैं, तो कस्टर्ड पाउडर को इसमें अच्छी तरह से घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को आपने ठंडे दूध में मिलाना है, मतलब फ्रिज का ठंडा ना हो पर गर्म दूध में नहीं मिलाना है। गर्म दूध में मिलाते हैं तो वो अच्छी तरह से घुलेगा नहीं। और कस्टर्ड पाउडर को आपने अलग से एक बॉल या कटोरी में घोलकर फिर पूरे दूध में मिलाना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट दूध में पूरे दूध में कढ़ाई में ही कस्टर्ड पाउडर मिला दें, तो ऐसे नहीं करना है, नहीं तो घुलेगा नहीं, उसमें लम्स होकर ऊपर ऊपर तैरने लग जाएगा, फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है कस्टर्ड पाउडर, ये इजिली मार्केट में मिल जाता है, आपको वनीला फ्लेवर वाला लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर जिसे कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसको डालने से आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये हम वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं और ये वनीला फ्लेवर का ही आपने लेना है। अब देखें दूध थोड़ा और थिक हो गया है। कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो कॉर्न स्टार्च को मिलाकर ही बनाया जाता है, इसलिए आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम मिला लेंगे शुगर। तो शुगर मैं मिला रही हूँ 1/4 कप, तो स्पून के हिसाब से 4 से 5 चम्मच है ये। तो शुगर आप थोड़ी कम या ज़्यादा भी मिला सकते हो, जैसा मीठा आपको खाना पसंद है उसी हिसाब से आप शुगर इसमें मिला लेना। अब इसमें मिला लेंगे वनीला एसेंस। तो वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो वनीला एसेंस ही इसमें जाएगा। अगर वनीला एसेंस नहीं है आपके पास तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो कस्टर्ड पाउडर का इसमें यूज़ किया है वो वनीला फ्लेवर का ही है, तो उसमें भी वनीला का टेस्ट और खुशबू वगैरह है, तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब तक दूध देखें थोड़ा और भी थिक हो गया है, तो ठंडा होने पर ये और भी थिक हो जाएगा। ये देखें ऐसा हो गया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इतना थिक हो गया है। तो अब गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने देंगे। अब मिल्क जो है ठंडा हो गया है, मतलब ल्यूकवार्म हो गया है। तो अब इसमें हम मिला लेंगे फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है ना वही लेनी है आपने। ये मैंने 3 स्पून भरकर मलाई ली है, इसको स्पून से थोड़ा सा बस मैंने मैश कर लिया है। अगर कप से नापते हैं तो मलाई 1/2 कप है। मलाई की जगह आप अमूल की फ्रेश क्रीम आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मलाई आपने जो लेनी है 2-3 दिन पुरानी तक तो ले सकते हो, ज़्यादा पुरानी नहीं लेना, नहीं तो कई बार मलाई में स्मेल होती है तो वो पूरी आइसक्रीम में स्मेल आ जाएगी। मलाई मिलाने से आइसक्रीम जो है बहुत ही अच्छी जमेगी, एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा उसमें और उसमें आइस क्रिस्टल भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम इसमें मार्केट की तरह कंडेंस मिल्क वगैरह और हैवी क्रीम नहीं मिला रहे हैं, तो इसलिए मलाई मिलाने से ही इसमें फैट कंटेंट बढ़ेगा और ये अच्छी तरह से जम पाएगी। मलाई अच्छी तरह से अब मिक्स हो गई है तो इसको जमाने के लिए किसी बॉक्स में डाल लेंगे। तो ये मैंने एक बॉक्स लिया है, आपके पास कोई भी बॉक्स हो, चाहे स्टील का हो या प्लास्टिक का, उसमें इसको डाल लेंगे। और अब इसको ऊपर से कर रहे हैं कवर, तो इसको आप कवर कर सकते हैं, चाहे सिल्वर फॉइल से कर लें मेरी तरह, या फिर एक क्लीन रैप आता है प्लास्टिक का उससे कर सकते हैं।
कवर करके फिर इसका ढक्कन हमने लगाना है, जिससे कि इसमें आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। तो अब इसे रख देंगे फ्रीजर में 2 से 3 घंटों के लिए। अब 3 घंटे हुए हैं तो मैंने इसे निकाल लिया है, तो इसका फॉइल पेपर भी हटा लेते हैं। तो ये देखें, अभी ये थोड़ी थोड़ी सी जम गई है, पूरी नहीं जमी है, पर ये देखें देखने में कितनी क्रीमी सी लग रही है। तो अभी हम इसे डालेंगे मिक्सी के जार में, पूरी डाल देंगे और इसको हम एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सी को इसमें हमने रोक रोक कर चलाना है, चलाया फिर रोका, चलाया फिर रोका, एकदम से नहीं चलाना है। हमने इसमें मलाई का यूज़ किया हुआ है, इसलिए मिक्सी को रोक रोक कर चलाना है। इस तरह करने से और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगी और इसमें आइस क्रिस्टल भी नहीं आएंगे। इसे वापस से उसी बॉक्स में डाल लेंगे, ऊपर से फिर से लगाएंगे फॉइल पेपर, वही वाला ले लिया मैंने। अब इसे मैंने बंद कर दिया, तो इसे रख देंगे फ्रीजर में 4 से 5 घंटों के लिए, या फिर जब तक ये जम नहीं जाती है तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब ये देखें 5 घंटों में ये जम गई है, तो इसको मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले उतार लेंगे फॉइल पेपर, तो ये देखिए कितनी अच्छी जमी है। तो इसको आप स्पून से निकाल सकते हो, या इस तरह से आपके पास आइसक्रीम स्कूप हो तो उससे निकालें। देखिए कितनी क्रीमी है, कितने आराम से निकल रही है, और कोई इसमें आइस क्रिस्टल भी नहीं जमा है। तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी अच्छी जमी है। और इसमें हमने मार्केट के जैसे कंडेंस मिल्क और हैवी क्रीम का भी यूज़ नहीं किया है, दूध से और मलाई से इसको हमने बनाया है। तो आप इसे घर पर बनाएं और इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।